जो मंच के हमारे मॉनिटर हैं, जो भी इसकी ध्वनि व्यवस्था देख रहे हो, मॉनिटर्स की थोड़ी सी आवाज हमें और ठीक दे दीजिए। भाई बहुत अच्छा है आपका। एक तो आपसे आरंभ में छोटा सा निवेदन ये कर लूं कि आप तालियों में कंजूसी न करें। मोदी जी ने बहुत सारे काम करे हैं, जीएसटी लगाई है, लेकिन तालियों पे जीएसटी नहीं लगाई है, ये अभी बची हुई है। तो आप एक बार तालियां बजा दीजिएगा कि जरा हमें हिम्मत रहे। अभी भी हमारा महिला विभाग बिल्कुल ताली नहीं बजा रहा है, पुरुषों ने थोड़ी सी बजाई है तालियां। मैं आपसे छोटा सा निवेदन ये कर रहा हूं कि आपको ताली बजाने का तरीका मैं सिखा देता हूं, यदि आपको कभी पहले किसी कवि ने न बताया हो। आपको कुछ नहीं करना है, अपना बायां हाथ ऐसे सामने करना है और इसमें अपने पति देव की फोटो देखनी है, दूसरे हाथ को तैयार रखना है बस। आपको फिर बजाने की जरूरत है, अपने आप ताली बजनी शुरू हो जाएगी। बस एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो तो ताली बजेगी इसके अंदर। पुरुषों को भी यही करना है, बस बाएं की जगह आपको दाहिना हाथ खड़ा करना है। इतनी मौलिक शेर ही मेरा अचानक याद आया, आप जान रहे हो। तो दाया हाथ आपको खड़ा करना है, बस भूल के भी उसमें घरवाली की तस्वीर नहीं देखनी है, वरना जो रोटी दो चार मिल रही वो भी बंद हो जाएंगे। ताली आपकी इस बात पर उठनी चाहिए, तस्वीर देखनी किसकी है, उस कमबख्त की देखनी है जिसने आपकी शादी करवाई थी। फिर देखो ताली डबल बजेगी नहीं बजे, मनोज ने बजा दी, मेरे को लग रहा है इसका लक्षण यही हुए होंगे। ऐसा अभ्यास करेंगे तो ताली ठीक ठाक है। ढाई तीन वर्षों के बाद कोरोना ने हमें वक्त सौंपा है कि हम एक दूसरे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं, वरना अंदर आदमी मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है कि हंस रहा है पता नहीं लग रहा था। पट्टियां मास्क के रूप में लगा दी गई थी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जैन संतों के रूप में रूपांतरित हो चुका था। पहली बार है पता लग रहा है सिख कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, वरना तो जैन धर्म का इतना विस्तार जैन मुनियों ने नहीं करा जितना कोरोना ने कर दिया। मैं तो जैन वो लोगों से कहता हूं, तुम कोरोना को अपना 23वें की जगह 24वां 25वां तीर्थंकर घोषित करो, इससे बढ़िया तो प्रचार किसी तीर्थंकर ने नहीं किया आपका। हालत ये हो गई कि आदमी निकले बाहर के ऐसा लगता था पूरी बारात जा रही हो और सारी आधी मास्क में, दूल्हा तक मास्क में, पता नहीं लग रहा था फेरे लेने जा रहा है कि डकैती डालने जा रहा है। रास्ते में पुलिस पकड़ के पूछती थी कहां जा रहे हो। ये पूनम वर्मा कल पूर्णिमा गई है, बुद्ध पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को ब्रज में आपको मालूम है खीर बनाई जाती है, इसने पूर्णिमा छोड़ो हर तीसरे दिन खीर, पतिदेव के सामने खीर, दिमाग खराब हो गया इसके पतिदेव का खीर खा खा करके। एक दिन लास्ट क्लास जब ये बना रही कोरोना खत्म होने से पहले, तो उनका दिमाग खराब है, ये खीर है, कहना खीर अच्छी नहीं बनी क्या। अब वो आदमी बेचारा पतिदेव कह भी नहीं सकता कि अच्छी निकला है, अच्छी निकला, और लो ऐसे कर करके तीन कटोरी पेल दी, चौथी बार नहीं तो उसने आँख घूर के देखा, कहना अच्छी नहीं बनी क्या खीर, कहना खीर तो अच्छी है लेकिन आज तो इसमें चावल डालना भूल गई। अगली बात पर आपकी ताली उठनी चाहिए, चक्कर क्या हुआ, कहना खीर तो अच्छी है इसमें चावल डालना भूल गई। इसने कहा मूर्ख आदमी पहले मास्क तो हटा, दूध दूध खींच रहा है खाली, तो चावल बाहर पड़े लगे, ताली कमा रही है, जोरदार तालियां, ये खीर बाहर पड़ी रह जाएगी। शिवाशीष कुछ कहने वाले हैं, मैटर भी होता तो भाई खराब करता है, पहले पैसा दे रहे हो और खराब करूं, लेकिन आज इसने भाई अच्छा कर दिया है तो इसका पेमेंट एडवांस हो गया, इसका मतलब समझ लिया जाए। आप भी कोई उचित जगह देख के जामवंत तो बैठ जाओ, आप ऐसे खड़े हो जैसे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जामवंत तो खड़ा हो, तो आप ऐसे मत करो क्योंकि पीछे जिधर आप खड़े हो हमारे अतिथि लोग बैठे हैं और आप उस तरफ से खड़े हैं जिस तरफ से वो आपको देखना नहीं चाहते, आपने उस तरफ का पृष्ठभाग जो उधर किया तो अग्रभाग की तरफ से इधर आए, वो संभव हो तो आप इसको उचित जगह छोड़ के नीचे पधार जाएं। बस कैमरा कहीं नहीं जाएगा, भाजपा के लोग तो वैसे ही ठीक ठाक है, तो बिना मांगे मिल रहा है इस समय, तो काय को दूसरे दल से तोड़ के लाए, तो आप तो विराज हो, चलिए आप भी बैठ जाओ, तो हाँ बैठो, आप कभी पुस्तिका का प्रचार करेंगे थोड़ी देर बाद। आए तो काफी भगवे पट के पहना दिए इन लोगों ने। मैं चर्चा ये कर रहा था, ये मैं बहुत लंबा वो नहीं, बस केवल कविता का इतना बार बताते हुए, है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गमारा है हमें ईमान के। लंबे अंतराल के बाद कवि सुनन होना शुरू हुए, आप सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट शुरू हुई है, ये कहते हुए कि हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से, रख रहे हैं हम दिए तूफान के आगे, रख रहे हैं हम दिए तूफान के आगे। पूरे देश ने एक बार फिर करवट बदली है, नए युग का आह्वान हुआ है, नए तरह के चीजें सामने आ रही हैं, हम समय के वक्ष में। सर आपको अगली लाइन पसंद आएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, बाकी लोग ताली बजाए नहीं बजाए, भाजपा वाले ताली जरूर बजाएंगे। हम समय के वक्ष में, जिस पल कहो कंपन करा दें, अगली लाइन समझ में आ जाए मैं कहां बोल रहा हूं, तो तालियां उधार मत रखना। हम समय के वक्ष में, जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर्त्री नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, खोल कर्त्री नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय, ये भविष्य की लाइन है आपकी, तालियां ज्यादा उठें,
हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर्त्री नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें, कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन। मेरा अगला एजेंडा भी सौंप दिया सर आपको, दो तो हो ही नहीं, तीसरे की तरफ बढ़ जाओ तो मैं देखे जा रहा हूँ आपको।